हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम के रिस्पेक्टिवली बहुत ही एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द परसेंटेज अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ पे क्या है ना, हम लोग एक क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, अवेलेबल स्पेस सीसीपी में, वो होता है 74%। ओके, अब हम लोग इसमें दो तीन और जान लेते हैं। सिंपल क्यूबिक क्वेश्चन करके पूछता है कि सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, तो ये रहा सिंपल क्यूबिक 52.4%। ओके, और बॉडी सेंटर्ड के लिए 68% होता है, 68% बॉडी सेंटर्ड के लिए। ये सीसीपी भी होता है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी 74% होता है, और एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी 74% होता है। ये आपको याद रखना होगा, विच मीन्स एक क्वेश्चन से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन का जवाब क्लियर किया है, 5। आते हैं नीचे, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है डायरेक्टली कि फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों किस एग्जाम्पल में शो करते हैं, तो ये इसका आंसर होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल और स्कॉटकी दोनों डिफेक्ट दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और जानकारी, एडिशनल जानकारी, कि डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन दोनों का। तो स्कॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी को डिक्रीज करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी में सेम रहता है, ये डेंसिटी को डिक्रीज नहीं करता है, मतलब कि ये अफेक्ट नहीं करता, बट स्कॉटकी डिफेक्ट क्रिस्टल के डेंसिटी को डिक्रीज करता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि अ मेटल हैज एफसीसी अरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे क्वेश्चन ब्रेक हो जाता है। एफसीसी अरेंजमेंट एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 400 picometer, एज लेंथ दिया हुआ है और हम लोग से पूछा जा रहा है एटॉमिक रेडियस। अब एफसीसी लैटिस में, एफसीसी लैटिस में क्या होता है, एफसीसी लैटिस में बेसिकली एज लेंथ और रेडियस के बीच में एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो देख लो, रेडियस इज इक्वल टू एज लेंथ अपॉन 2√2, एज लेंथ अपॉन 2√2। दैट इज हम लोगों को एज लेंथ क्या दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है 400 picometer और 2√2। जब हम लोग इसको इससे कट करेंगे पूरे टोटल अमाउंट को, तो ये आता है 141 point something, ठीक है, 32 जो भी हो समथिंग, तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या मानेंगे, 142 picometer। ओके, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी उतने टफ नहीं बनने वाले, लेकिन क्वेश्चन तो आएंगे। ओके, बेसिक लेवल से अब हम लोग जाते हैं दूसरे पे। पूछा जा रहा है कि डायमंड किसका एग्जाम्पल है, डायमंड किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए आयनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटलिक सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड। तो डायमंड इज एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, या इसको कभी कभी नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है, क्या, नेटवर्क सॉलिड या जेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, सो और आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, NaCl, KCl। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटलिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो तीन आते हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रहा H2O, आइस। अब एक सवाल है, यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो है क्या ड्राई CO2, ड्राई आइस या ड्राई CO2। मैं बोल रहा हूं ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ड्राई आइस और ड्राई CO2, हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल बोल देंगे, बट H2O और आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या है, H2O आइस हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। लेकिन जब सवाल आएगा ड्राई आइस और ड्राई CO2, तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक क्वेश्चन और आता है, I2 मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल किसका एग्जाम्पल है, वो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड का तो होता है, बट क्या है वो, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अभी हम लोगों ने देखा था इसके बारे में कि ये तीन तरह के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्डेड में H2O आइस, पोलर में ड्राई आइस या ड्राई CO2 और नॉन पोलर में I2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रहे इन सभी के क्वेश्चन के आंसर। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC यूनिट सेल। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो होता है 2। अब इसी में हम लोग तीन चार आंसर और देखते हैं। सिंपल क्यूबिक,
सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल होता है 1, बॉडी सेंटर जो कि इसका आंसर है 2, एफसीसी जो कि इसका आंसर है 4, 4 यूनिट सेल होते हैं, और सीसीपी इसमें भी 4 यूनिट सेल होते हैं, बट जब हम लोग एचसीपी पे जाएंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो उसमें यूनिट सेल पे कितने यूनिट सेल होते हैं, 6। ये देखो एक क्वेश्चन से हम लोगों ने कितने को बीट किया, 5 क्वेश्चन को बीट किया। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, पूछा जा रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएल माइनस आयन इन एनएसीएल स्ट्रक्चर। तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। अब यहां पे एक जानने वाली बात क्या है कि NaCl ब्रेक करता है Na+ और Cl- पे। अभी यहां पे Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है जो 6 है, कभी ये पूछ देगा कि Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, वो भी 6 होगा। लोग आते हैं दूसरे वाले लास्ट क्वेश्चन पे, पूछा जा रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पार्टिकल, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बॉडी इज 8। क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज 8। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एडिशनल और जान लेते हैं कि क्या है सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, बीसीसी जो अभी हम लोग देख रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, फिर आता है क्या हम लोग के पास एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है 12, और एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, और एक और होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन का जवाब निकाला, यहां पर हम लोग इन सभी चीजों को देख चुके हैं। टेक केयर, थैंक यू।